का मॉडल है जियोनी F103। इसमें आपका पिन पैटर्न पड़ा हुआ है, कैसे आप इसको अनलॉक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मुझे इसका जीमेल नहीं पता क्योंकि कस्टमर का है, तो इसको मैं आपको अनलॉक करता हूँ, लेकिन फिर FRP पूछेगा, तो FRP के लिए मुझे दूसरा सोल्यूशन करना पड़ेगा। मैं भी वो भी आपको मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आप देख रहे हैं वैल्यूम अप बटन, वैल्यूम अप की है इसको बोलते हैं, और पावर की, आपको वैल्यूम अप और पावर की को लॉन्ग प्रेस करना है और उसके बाद पावर को रिलीज़ कर देना है। और जब आप रिलीज़ करते हैं तो देखेंगे एक ये सिस्टम मेनू चालू हो जाएगा, इसमें देखिए आपका लिखा हुआ है रिबूट सिस्टम नाउ। उसके बाद ऑप्शन बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, देखिए रिबूट टू बूट लोडर, अप्लाई अपडेट फ्रॉम, इसके बाद देखिए अप्लाई अपडेट फ्रॉम ADB, अप्लाई अपडेट फ्रॉम SD कार्ड, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, बाकी सारे ऑप्शंस हैं, पर आपको क्या करना है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, आपको इस पर जाना है, आप वॉल्यूम डाउन से इस पर आप आ जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर पहुँचने के बाद आपको पावर की है उसको प्रेस करना है। फिर प्रेस करने के बाद देखिए, उसके बाद देखेंगे क्या ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपको स्क्रॉल करना है और डिलीट यूज़र डाटा पर आपको पहुँचना है और उसके बाद पावर की प्रेस करना है। ये आप देखिए वाइप डाटा फॉर्मेटिंग डाटा, ये आपका ऑप्शन चलने लगा। इसके बाद आपका फ़ोन यहाँ पे आपका कंप्लीटेड दिखाएगा, ये देखिए आ गया, ये हो गया डाटा वाइप कंप्लीटेड। अब आपको यहाँ पे फिर एक ऑप्शन आएगा, तो आपको इसको रिबूट नाउ करना है, फिर प्रेस की करिए पावर की को। उसके बाद देखिए ये सिस्टम आपका लॉगिंग हो गया। अब ये जियोनी F103 आपका फॉर्मेटिंग हो गया। अगर आप इसमें Gmail ID नहीं भूलते हैं तो आपका प्रोसेस में आ जाएगा, अगर आप भूल जाते हैं तो इसमें FRP मांगेगा, उसके लिए फिर आपको सिस्टम से सॉफ्टवेयर से आपको करना पड़ जाएगा। ये एज ए मैनुअली है, ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है, तो आप इसको अपने तरीके से घर बैठे आप सोल्यूशन ले सकते हैं। आप मेरे चैनल अवितेश फन वर्क एंड टेस्ट सोल्यूशन को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं अपना एक्सपीरियंस इस पर शेयर करता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद।